हेलो, कैसे हैं आप सब? आज मेरे पास में है नीतू, जिनका एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया इनको मिला है और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमारे यहाँ से एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, उस प्रिपरेशन के बाद में आज ये एक ऑफिसर की रैंक के ऊपर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जॉब के लिए जा रही है। आइए बात करते हैं इनसे कि इन्होंने हमारे यहाँ से क्या सीखा और इनका अनुभव कैसा रहा। नीतू, आपको हमारे बारे में कहाँ से पता लगा और कैसे लगा कि यही इंस्टीट्यूट है जो आपको एक अपने मंजिल तक पहुँचा सकता है? सर, एक्चुअली एक नहीं, दो से तीन मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी बैंक में लगे हुए हैं, सब ने मुझे यही सजेशन किया कि इंटरव्यू की अगर प्रिपरेशन करनी है तो वो इसी क्लास बेवाल क्लासेस से ही करनी है। मैं फिर यहाँ पे आई और 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन, मतलब मैंने खुद ने अपनी पर्सनैलिटी में जो चेंज देखा है, दैट लिटरली आउट ऑफ माई वर्ड्स मैं ये कह सकती हूँ इस बात। बहुत अच्छा। नहीं तो क्या आपको आने से पहले पता था कि हमें इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करके जाना है और किस लेवल का सिलेबस हमें कवर करना है? सर, एक्चुअली मेंस देने के बाद पता नहीं लगता कि इंटरव्यू के लिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और एज ए आईटी हम ये सोचते हैं कि सिर्फ टेक्निकल पढ़ने से हो जाएगा, पर नहीं, बैंकिंग में जा रहे हो एज ए आईटी ऑफिसर तो आपको टेक्निकल एज वेल एज बैंकिंग के भी बारे में पता होना चाहिए, जो यहाँ आके पता चला। यहाँ पे पूरी आईटी से जितने भी टर्म्स रिलेटेड हैं, जो न्यू एडवांसेस हुए बैंकिंग में, सब कुछ हमें कवर करवाया, जीके, बैंकिंग और पर्सनल जो क्वेश्चंस होते हैं सब A to Z सब कुछ कवर करवाया यहाँ पे, जो कि इंटरव्यू में हमें लगा कि हाँ सही था डिसीजन। बहुत अच्छा। नीतू, जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ पर सारी की सारी प्रिपरेशन कराई गई और वही प्रिपरेशन है जिसने आपको इंटरव्यू के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स, अराउंड 80 के आसपास मार्क्स लाने के लिए प्रेरित किया, तो कितने मार्क्स आप हमें देना चाहेंगे कि हमारी जो प्रिपरेशन हो रही है वो अप टू द मार्क है या हमें भी कुछ बदलाव करना है या कुछ नयापन करना है? नो सर, आपको तो 100 में से 100 मिलेंगे, क्योंकि आप हमेशा अप टू डेट रहते हो एज मार्केट, जैसे जैसे बैंकिंग में टर्म्स चेंज हो रही है, बैंकिंग सिस्टम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपके भी टीचिंग्स में चेंज हो रहा है, आप भी अप टू डेट हो। थैंक यू नीतू, थैंक यू हम लोगों के अंदर भरोसा करने के लिए। नीतू के जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस बार IBPS PO के अंदर सेलेक्ट होकर बैंक की नौकरी के लिए गए हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है, बेवाल सर और मैं पीयूष बेवाल, हम दोनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि हर बच्चा जो मेरे पास आ रहा है उस बच्चे को एक उसके टारगेट जो उसने डिसाइड किया है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू नीतू, और आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं, आप बैंकिंग लाइफ में अपना करियर आगे से आगे बढ़ाएं। थैंक यू।